नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और हम हर खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ऐसी ही एक खबर पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है और खबर RJD से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद के पहल के बाद जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद के बीच बैठकें हुई और बैठकों का नतीजा क्या हुआ ये तो लालू प्रसाद से जब मिलेंगे रघुवंश प्रसाद तब तय होगा। लेकिन जिस तरह मीडिया की सुर्खियों में बातें आ रही हैं और चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में, उसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों अपने अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद के पहल के बाद और उनके हस्तक्षेप के बाद मामले में सुधार होना निश्चित है। कारण कि लालू प्रसाद पार्टी का अध्यक्ष है और उनको कोई भी उनकी बात को काटने के लिए पहल नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें पार्टी में रहना है। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रांची पहुंच चुके हैं रघुवंश प्रसाद और वहां जाकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, जिस खुलासे ने देश और बिहार की राजनीति में भूचाल मचा के रख दिया है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जब से बनाए गए हैं तब से लेकर के कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर के रघुवंश प्रसाद सवाल खड़े करते रहे। हालांकि रघुवंश प्रसाद मीडिया के सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, लालू प्रसाद के बाद रघुवंश प्रसाद ऐसे पहले नेता हैं जो मीडिया उनका इंतजार करती है और मीडिया उनके हर बयान को बड़ी तवज्जो देती है। अपने ही शैली में और अपने ही अंदाज में बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं। रांची में भी वो पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने पहले तो ये बताने का प्रयास किया कि वो लालू प्रसाद से मिलने आए हैं, उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे राजनीतिक व्यक्ति से मिलेगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं तो होंगी ही, और उसमें भी यदि लालू प्रसाद ने उन्हें बुलाया है तो आप समझ लीजिए कि बात बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर भी है। हालांकि जगदानंद सिंह से मिलने के बाद और कई तरह की जानकारियां लेने के बाद, कई डॉक्यूमेंट्स के साथ, कई ऐसे सबूत हैं जिनके साथ वो लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें, जगदानंद सिंह ने कहा कि हमारे बीच में किसी तरह की कोई तल्खी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ तक कि उन्होंने तो जिस तरह के बयान प्रशांत किशोर पर देने की बात मीडिया की सुर्खियों में थी उससे भी इनकार कर दिया था कि उन्होंने किसी को भी कोई अपशब्द नहीं कहे। उसके बाद उन्होंने रघुवंश प्रसाद के साथ भी हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि हमारे बीच में कोई तल्खी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन रघुवंश प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए रांची में कई खुलासे किए और उन खुलासों ने कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय ले लिया है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद ने यह भी कहा था कि ठीक है, पार्टी में अनुशासन जरूरी है, पर कभी कभी पार्टी चलाने के लिए अनुशासन के साथ भी थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए और कार्यकर्ताओं को बेवजह ऑफिस में बैठने से रोकना और कई तरह के नियम बनाना शायद ये राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से आते हैं और उन्हें नियम कानून का पता नहीं होता है। कार्यालय और पार्टी ऑफिस में बैठने को लेकर के भी और कई तरह के अनुशासन को के चाबुक से पार्टी को नहीं चलाया जा सकता है। रघुवंश प्रसाद ने लालू यादव को पत्र लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद से रघुवंश प्रसाद को मिलने का समय लालू प्रसाद ने दिया है। इसके साथ ही कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद रघुवंश प्रसाद को कोई विशेष जिम्मेवारी देने के लिए अपने पास बुलाए हैं। राज्यसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें होगी और MLC का भी चुनाव होने वाला है, ये भी मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही 2020 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है RJD के लिए। अब इन सब के बाद जब मीडिया ने हवाई अड्डे पर रघुवंश प्रसाद को घेरा तो उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से देश में CA, NRC और NPR को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, उसने देश को बदनाम करके रख दिया है, और सबसे बड़ी बदनामी तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार और नीतीश कुमार ने करवाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से भारत के इस CAA कानून को लेकर के दुनिया भर के देश और में नाराजगी है, उसे देखकर बिहार शर्मसार हुआ है।
उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 750 से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के ने इस कानून पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 550 से ज़्यादा पार्लियामेंटियन ने भी इस कानून को कलंक बताया। अब आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद बिहार और देश की राजनीति पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं और उन्होंने इस पैनी नज़र पर हवाला देते हुए सीधे तौर पर कहा कि दुनिया भर में इस कानून का अलग अलग तरह से व्याख्या किया जा रहा है, जिसमें भारत की जो बेइज्जती है वो हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस तरह से ये कानून चल रहा है वो देश बांटने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके आरजेडी में सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे आरजेडी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे आरजेडी में लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, लोग अपनी बातें रखते हैं। मैं लालू प्रसाद जी से मिलने आया हूँ उनके स्वास्थ्य कारणों से, काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले हुए लेकिन नहीं मिला था। पर एक बात तो निश्चित है कि दोनों के बीच में जो बातें होंगी उसका असर बिहार की राजनीति पर जरूर होगा। जैसे ही मिलकर के बाहर निकलते हैं, चूँकि आज 11:30 बजे के बाद मिलने का समय है, मिलकर के बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे, क्या कुछ बात करते हैं। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बनाए रहिए भारत लाइव पर। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।